रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। और प्लीज़ जिन लोगों ने सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि मानसून बारिशों का जो है आगाज़ हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जो है खैरपुर और गंबट अस्पताल की एक वीडियो देख रहा था, जहाँ जो है गंबट अस्पताल की छतें जो है वो बहना शुरू हो गई, और उसमें पानी इस तरह से बह रहा है ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई बिल्कुल नहर बह रही है। तो इसका जो ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से इसका ज़िम्मेदार तो हम सिंध हुकूमत को ही समझेंगे, क्योंकि अभी जो हाल ही में बजट पेश किया गया है, इसमें सेहत के नाम पे अस्पतालों की तरक्की तामीर के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट लिया गया है। तो क्या हम एक नए सानिया का होने का इंतज़ार करते हैं, और उस सानिया होने के बाद हम फिर जो है ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं? नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। खैरपुर गंबट अस्पताल में जो है छत बही है, क्या हम इंतज़ार करें कि अभी छत बही है और बाद में छत गिरे और इससे कोई जानी हो माली नुकसान हो, उसके बाद ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। सीएम साहब, आप जो है सूबे के जो है वज़ीर आला हैं, आप जो है इसके जवाब दें, और जो जिन लोगों ने यह अस्पताल बनाया उन ज़िम्मेदारों से आप जो है इस अस्पताल में जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से जो है वहाँ की छतों में इस बुरे तरीके से पानी बह रहा है। मेरी जो इस वीडियो से पहले स्टार्ट में एक वीडियो चली है, उस वीडियो में मेरे देखने वाले देख भी सकते हैं कि कितनी तेज़ी से जो है बारिश का पानी बह रहा है, और ख्वातीन जो है वहाँ जो बेचारे जो मरीज़ हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है नकल मकानी कर रहे हैं, वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। तो वज़ीर आला सिंध, आप से मेरी गुजारिश है कि आप किसी सानिया के होने का इंतज़ार ना करें, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको जो है आप कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। बल्कि मैं कहूँगा कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने ये अस्पताल बनाया, जिन्होंने करोड़ों रुपए का टेंडर लिया ये अस्पताल बनाने के लिए, आप जो है उन लोगों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि उन लोगों को मंजर आम पे भी लाएं, क्योंकि ये अवाम के टैक्सों का पैसा है। अवाम के टैक्सों के पैसे से जो है ये अस्पताल, ये स्कूल, ये कॉलेजेस बनते हैं, तो ये हमारा पैसा, ये अवाम का पैसा है। तो जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक तो ज़रूर पहुँचाएँ, लेकिन उनको जो है अवाम की अदालत में भी पेश किया जाए और अवाम के सामने लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।